वो कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार लेके बैठे हैं। हम तो कह रहे हैं केवल एक इंजन का एक सेल्फ स्टार्ट तो करो कि मैं ये सरकार हूँ, ये कर्मचारी है, मैं इसको सीधा पैसे नहीं दूंगा क्योंकि ये काम करना चाहता है। मैं अपने भाइयों को बीच में डालूंगा, वो आधा पैसा खा जाएंगे, बचा हुआ इन बेचारों को देंगे, ये काम करेंगे आईएसआरए से ज़्यादा तो वेतन पाएंगे चपरासी से भी कम। राजधानी के शहीद स्मारक पे इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि ठेका प्रथा बंद करने को लेकर यहाँ पर कई लोग यहाँ पर धरनारत हैं। इनसे जानेंगे भाई साहब, आज आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हो और पहले भी कई मरतबा आप धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर चुके हो ठेका प्रथा को बंद करने को लेकर, लेकिन कुछ हुआ नहीं है, तो आज का ये धरना प्रदर्शन आप कहाँ तक लेकर? आज का अगर राजस्थान सरकार, जैसा कि आपको पता है कि अभी प्रदेश में उपचुनाव का दौर है, हम हर बार जहाँ पे भी मंत्री जा रहे हैं, किसी भी विधानसभा पे दौरे पे जाते हैं, हम अपनी पूरी भीड़ वहाँ पे जाती है उनके साथ में। शायद वो खुश होते हैं भीड़ को देखते हुए और वो मांगों को दरकिनार कर देते हैं। अब भी हम जाएंगे मगर हमारे हाथ में अब की काले झंडे होंगे। हम सरकार को अब आंदोलन के जरिए ध्यान आकर्षण करवाएंगे कि हमारा किस प्रकार से शोषण हो रहा है और हमारी मांगे कोई जायज़ मांगे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सरकार के पास राजकोष में कमी है। अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से भी पूर्ण रूप से उनका समर्थन मिल रहा है। जब सरकार के पास पर्याप्त साधन है तो ठेका कर्मचारियों की व्यथा को क्यों नहीं सुन रही सरकार? इनका शोषण हो रहा है, 5,000-7,000 कहीं 2,500 डबल ड्यूटी करवा रहे हैं ठेकेदार, कहीं पे 100 आदमी कार्यरत हैं उनके एवज में लगा रखे हैं 30 आदमी। तो इस शोषण को सरकार जल्द से जल्द ख़त्म करे क्योंकि अब ठेकाकर्मी जाग चुका है और इनकी दयनीय स्थिति मरणासन स्थिति तक नहीं पहुँच जाए तो सरकार को इस चीज़ को तुरंत सुन लेना चाहिए। जितने भी घोटाले हुए अभी ठेका प्रताप में, जितने भी घोटाले हुए अभी लैब टेक्नीशियन लगाए गए जिसमें भी घोटाले हुए, हमने मंत्री जी को भी इस चीज़ की जानकारी दी, सारे प्रशासनिक अधिकारियों को दिए कि 2-2 लाख रुपए लेके कर्मचारी लगाए गए, मगर उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। वहाँ जो कर्मचारी जो लग गए हैं तो उनको लेकर आपका कुछ स्टैंड रहेगा? ये देखो, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए इसके ऊपर। तो अभी परसों के रोज़ भी RUHS में 1 पैसे पर टेंडर उठाए, सरकार जानकारी तो कर ले कि 1 पैसे पर यह टेंडर कैसे चला पाएगा। ठेकेदार खुद अगर उन्हें संभालने के लिए जाएगा तो शायद 5 रुपये किराया दे के जाएगा। तो ये सरकार को खुद को सोचना चाहिए कि किस तरीके का घोटाला हो रहा है। सरकार घोटालों को लेकर पहले बहुत जागरूक थी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि हम सारे घोटालों को बंद करेंगे। आज सरकार इस घोटाले को दरकिनार क्यों कर रही है? हम ध्यान दे रहे हैं, बहुत बड़ा घोटाला जो ठेका प्रथा प्रदेश में चल रही है, इसके अंदर सबसे बड़ा स्कैम है और इसको मंत्री वर्ग से लेके प्रशासनिक अधिकारी ले लो, आप मंत्री ले लो, लोकल ठेकेदार अधिकारी सब इसमें मिली भगत है, सब इसमें मिले हुए हैं। इस चीज़ को क्यों नहीं बंद कर रही? और RLSDC सरकार अगर लागू कर देती है इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं है, कोई अतिरिक्त वित्तीय भार राजकोष पे नहीं आएगा। इसके एवज में 30 करोड़ रुपये मासिक जो हमारा आंकलन कहता है वो 30 करोड़ मासिक राजकोष में बचेगा। तो इस स्थिति को क्लियर करो। हम भी कहते हैं भजनलाल सरकार का नाम होगा, लागू करें RLSDC, ठेकेदार को हटा दे और डायरेक्ट सरकार से नियुक्ति दे, सरकारी कंपनी से। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अभी भजनलाल सरकार ने कई लाख भर्तियों की भी घोषणा करी है, एक भर्ती कैलेंडर जारी करने की भी बात कही है, तो क्या उस भर्ती कैलेंडर में आप अपने आप को कहीं देख? देखो, हमें भी देखना है, अभी तक तो देखा नहीं है लेकिन देखना है। सरकार से यहाँ से क्या मांग आपका? यही मांग है, RSLDC लागू करे, ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए। देखिए, सरकारों को ये सोचना और समझना चाहिए कि वो कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार लेके बैठे हैं। हम तो कह रहे हैं केवल एक इंजन का एक सेल्फ स्टार्ट तो करो, केवल एक प्रशासक की जो नियुक्ति बाकी रह गई है उसको तो करो, जिससे कि भजनलाल सरकार, जो भजनलाल जी आज मुख्यमंत्री बने हैं, आने वाले समय में अगर उनको मुख्यमंत्री रहना है तो उनको अपनी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना पड़ेगा। आप सचिवालय के अंदर एंटर करोगे तो आपका पास बनाने वाले ये खड़े हैं। आप स्कूलों में एंटर करोगे, आपको स्कूल में कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाले ये खड़े हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, आपको वहाँ वर्क करवाने के लिए जो सबसे पहली पंक्ति में आदमी बैठा है वो सारे ठेकेदार के आदमी। ठेका क्या है ये? इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये सरकार हूँ, ये कर्मचारी है, मैं इसको सीधा पैसे नहीं दूंगा क्योंकि ये काम करना चाहता है। मैं अपने भाइयों को
बीच में डालूंगा, वो आधा पैसा खा जाएंगे, बचा हुआ इन बेचारों को देंगे, ये काम करेंगे आईएसआरए से ज़्यादा और वेतन पाएंगे चपरासी से भी कम। हम कहते हैं आपका वेतन तो उतना ही लगेगा जितना आज लग रहा है। हाँ, ये ज़रूर है दलालों से हमें मुक्ति मिलेगी और आपको भी आने वाले 5 साल बाद भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इस उपचुनाव में आपकी 7 सीटें शायद सुरक्षित हो पाए। 1.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी है, 1 कर्मचारी के घर में 5 से 7 आदमी भी मानो तो आप गणना कर सकते हो। यही बात कहते हैं, अपनी शब्दों को विराम देता हूँ। मुकुल आचार्य, राजस्थान कंप्यूटर शिक्षण प्रदेश महामंत्री। ये तमाम ठेका कर्मचारी हैं जो सरकार से मांग कर रहे हैं कि करीब 1.5 लाख के आसपास ये कर्मचारी हैं और अगर एक के घर में अगर 4 सदस्य भी मानते हैं तो आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है और आने वाले 7 विधानसभा में उपचुनावों में सरकार को अगर नुकसान नहीं उठाना है तो इन ठेका कर्मचारियों की जो व्यथा है, जो पिछले कई सालों से इनकी जो मांगे हैं वो लंबित पड़ी हैं। पिछली गहलोत सरकार ने इनकी कुछ मांगे मानने की बात तो कही थी लेकिन वो आदेश भी अभी अधूरा पड़ा है। इनका कहना है कि एक प्रशासक की नियुक्ति की जाए, ठेका प्रथा बंद की जाए और समान काम का समान वेतन दिया जाए। क्या सर, मेरा नाम राम है सर, मैं सचिवालय कंप्यूटर ऑपरेटर ठेका संघ से हूँ और मैं अपनी यही मांग रखना चाहूँगा कि जो सरकार हमारे साथ जो कर रही है वो बहुत ही गलत कर रही है। हमारा परिवार नहीं चल पा रहा है 7,000 रुपये में, प्लस सेंट्रल ने आज 10 से 15 दिन हो गए उन्होंने एक ऑर्डर पारित किया है समान वेतन समान कार्य, अभी तक वो उसको लेकर के भी कोई घोषणाएँ नहीं हुई है। प्लस श्रम विभाग जो है उस उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि हमारा किस लेवल पे शोषण हो रहा है। प्लस हमारे साथ में जो ठेकेदार हैं वो हमारा अच्छे लेवल पे शोषण करते हैं, हमारा पैसा खा जाते हैं। प्लस हमारे यहाँ तक के हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो ग्रुप में है, हम सब जुड़े हुए हैं, बात भी करते हैं, ठेकेदार उनका PF तक खा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो भजनलाल सरकार से ये निवेदन करूँगा कि वो बिल्कुल ठेका प्रथा को बिल्कुल ख़त्म करें जड़ से। इनका कुल मिला के यही कहना है कि ठेका प्रथा को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, समान काम का समान वेतन दिया जाए और जो घोटाला जो हो रहा है सरकार कर्मचारियों के बीच में, जो दलाल हैं, जो ठेकेदार हैं जो इन लोगों को नौकरी पे रखते हैं और सरकार की तरफ से जो पैसा आता है, इनका कहना है कि वो पूरा पैसा भी इनको नहीं दिया जाता। ये जो तमाम मुसीबतें हैं इन ठेका कर्मचारियों की, ये ख़त्म हो ताकि जो सरकार का जो काम है वो सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि किसी भी सरकारी काम की जो प्रथम जो पंक्ति में जो लोग बैठते हैं वो यही लोग बैठते हैं और इन्हीं से पहली सीढ़ी पार की जाती है किसी भी सरकारी कामकाज की। तो सरकारी कामकाज सुचारू रूप से चले और इन लोगों की जो भी दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो, इसी की ये मांग आज यहाँ से उठा रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।